गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम यू इन क्लास इलेवन दिस इज फर्स्ट पार्ट इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म फ्रॉम आईपी ठीक है सिस्टम कैन बी क्रिटिकली इन हेल्पिंग न्यू वेंचर देखिए ये जो क्रिटिकली सिस्टम जो है कैन बी क्रिटिकली इन हेल्पिंग अ न्यू वेंचर जो न्यू वेंचर जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ट्रांसफॉर्म द इनोवेशन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी इन टू मार्केट तो ये क्या करता है इनोवेटिव पोटेंशियल जो एनर्जी है वो इनोवेटिव कुछ नए आइडिया के साथ क्रिएटिविटी इन टू मार्केट वैल्यू एंड कॉम्पिटिवनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर अलाउ इनोवेटिव इंटरप्रीनियर टू प्रोटेक्ट दिन इन्वेंशन इट ऑल्सो गिव अ एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स वीपी सिस्टम देखिए आईपी सिस्टम होता क्या जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट

रिफर टू जनरल टर्म्स होती है असाइनमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी राइट जो प्रॉपर्टी असाइनमेंट होता है अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा नेक्स्ट आईपी सिस्टम अस फॉर इनोवेटिव इंटरप्रेन्यरशिप द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आई पी आर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशरी इनोवेटिव इंटरप्रेनर इन द दुलंदिर देखिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बेनिफिशरी होती है इनोवेटिव इंटरप्रनियरशिप के लिए जैसे इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू उसको इसका मार्केट वैल्यू मिल जाता है जो न्यू वेंचर जो इंटरप्रेन होता है उसको सेकंड स्पेशली अपकमिंग इंटरप्रेनियर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद आई पी आर देखिये आईपीआर के हेल्प से ये जो न्यू इंटरप्रनियर है या अपकमिंग इंटरप्रेन है वो अपना नेम और प्लेस उनको मार्केट में मिल जाता है रिसर्च शो मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट आर टेकन बाय न्यू अपकमिंग इंटरप्रेनियर जो रिसर्च है शो मोर देन पच्चीस परसेंट से ज्यादा उनका रिसर्च दिखता है शो कर सकता है अपकमिंग आईपीआर गिव द इंटरप्रेन प्रॉपर्टी राइट ऑन द इंटेंजिबल एसेट्स जो इंटेंजिबल एसेट्स uh, होते हैं टेंजिबल इंटेंजिबल तो ये उसमें अपने एसेट को इंटरप्रीनियर को प्रॉपर्टी राइट्स दे सकता है

वर्क पब्लिसिटी ये कॉपी का अधिकार होता है मतलब कोई दूसरा आपका अधिकार जो कॉपी कौ आपके वर्क की नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट परफॉर्म द डिस्प्ले ऑफ द वर्क पब्लिसिडेंट सेकंड पेटेंट एक तरह से सही के लिए वर्ड यूज होता है लेकिन यहाँ देखिए पेटेंट प्रोस्पेक्ट प्रोसेस देखिए एक प्रोटेक्ट प्रोसेस होती है मेथड एंड इनोवेशन देट आर नोवेल एंड नॉन ऑबियस एंड यूजफुल देखिए नोवेल नॉन ऑबियस एंड यूजफुल इफ ग्रांटेड अ पेटेंट गिव यू मोनोपोली ठीक यदि आपको पैटेंट अधिकार दिया जाता है मोनोपोली ऑन सेलिंग द यूजिंग मेकिंग द इम्पोर्टिंग एंड इनोवेशन द रिक्वायरमेंट फॉर पैटेंट और कॉम्प्लेक्स थर्ड आता है ट्रेडमार्क अ ट्रेडमार्क इज लाइक अ ब्रांड नेम एक ब्रांड नेम की तरह है इट इज एनी वर्ड और सिम्बॉल ठीक है ये कोई वर्ड या सिम्बॉल हो सकता है दैट रिप्रजेंट अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंगट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट ये ट्रेडमार्क होगा ये आपके दूसरे प्रोडक्ट से आपको अलग दिखा था एग्जाम्पल नाइक द सिम्बल इज नाइक ऑफ नाइक कंपनी ट्रेडमार्क गिव यू लार्ज प्रोटेक्शन दट नो वन एल्स कैन यूज दिस ट्रेडमार्क ये आपको काफी प्रोटेक्शन देता है कि आपके प्रोडक्ट की कोई कॉपी नहीं कर सकता है अब आता है स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन ठीक है ये टॉपिक हम नेक्स्ट में, नेक्स में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू